गांधी जी के बारे में नहीं नहीं लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है, क्योंकि उनकी एक जो विचारधारा थी और जो उनका जीने का एक तरीका था वो लोगों को बहुत इंस्पायर करता, तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। डिपेंड करता है कि आप क्या जानना चाहते हैं, वो तो एक तरह से खान है, आपको समझना चाहिए उनको, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्या उनका लाइफस्टाइल रहा, कैसे वो जिए, कैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए। गांधी जी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, खासकर मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं, कि जिस तरीके मैं सोचता हूँ कि आज जैसे अभी अन्ना जी का आंदोलन हुआ, अब फ़ोन होते हैं, इतना टेक्नोलॉजी हो गई, आप फ़ोन कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, उस समय गांधी जी ने जो आंदोलन किए वो विदाउट मीडिया कैसे वो अकेले निकल, दांडी यात्रा के लिए अकेले निकले थे, लाखों भीड़ उनके साथ जुटी थी, तो एक इंसान में ऐसी क्या उसमें शक्ति थी जो उसने अपने आप लोगों को इतना प्रभावित किया, लोग उसके साथ जुड़े, तो वही इनकी एक चीज़ है जो इंस्पायर करती है मेरे को कि आखिर क्या उन्होंने किया, क्या कितने सच्चे इंसान थे वो उस वक्त। तो इसी चीज़ में मैं उनके बारे में इसीलिए उनका अध्ययन करता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ उन्होंने लोगों को बताई या क्या उन्होंने किया कि इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग उनके एक आवाज़ पर उनके साथ हो जाते थे। आज महात्मा गांधी का दिन है, 2 अक्टूबर है, उनका जन्मदिवस है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आज अपने बच्चों को, अपने घर परिवार में, अपने सहपाठी को, अपने दोस्तों को, सबको महात्मा गांधी के बारे में बताएं और ग्रुप में बैठकर उनके बारे में डिस्कस करें।